आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। मुरैना के चिन्नौनी थाना इलाके में मोहनपुर गांव से एक मकान में से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है ताकि यह पता किया जा सके कि आखिर इतनी भारी मात्रा में यह विस्फोटक कहां से लाया गया था और इसका किस काम में उपयोग किया जाना था। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि आरोपी इसे पत्थर खदानों में ब्लास्टिंग करने के लिए लाए होंगे। दरअसल चिन्नौनी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि धौलपुर राजस्थान से भारी मात्रा में लाया गया विस्फोटक मोहनपुर गाँव के लटूरी सिंह के यहाँ अवैध रूप से भंडारण कर रखा हुआ है। इसी सूचना पर जब पुलिस ने दबिश दी तो मकान से 745 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 58 बंडल कोडेवैक्स वायर मिला है, जिसके बाद पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। की सूचना मिली थी कि चिन्नौनी के मोहनपुर गांव में धौलपुर तरफ से इस विस्फोटक अवैध विस्फोटक सामग्री लाई जा रही है, तो थाना प्रभारी को भेजा गया एसडीओपी के निर्देशन में। उन्होंने वहां से 745 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है। इसके साथ ही 58 बंडल पकड़े कोडेक्स के, जिसपे प्रत्येक में 375 मीटर कोडेक्स होने की होना है पाया गया है। आरोपी हैं लटूरी सिकरवाल, जिन जो मौके से फरार हो गए, इनकी तलाश की जा रही है और जब वो पकड़े जाएंगे। मुरैना से गिरराज शर्मा की रिपोर्ट।